अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, ये आपके घर वालों को, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसे ट्राई करने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ कैसे बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिज़्ज़ा फ्राइज बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1 शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लेना है। और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून ओरिगेनो, मोजरेला चीज़ है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और नमक भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 किलो आलू लिए मैंने, इन्हें जैसे फ्राइज में आलू कटते हैं वैसे आपको काट लेना है। और इसे मैंने काट कर 4-5 पानी से धो लिया है, जब तक पानी एकदम क्लियर, आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गया है पानी। 4-5 पानी से धोने के बाद इन्हें मैंने थोड़ी देर पानी में भिगा दिया है। अब मैं इन्हें छान लूँगी। सारे आलूओं को मैंने छान लिया है और कटिंग बोर्ड पर मैंने टिश्यू पेपर बिछाकर इस पर आलू रख दिए हैं और ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगा कर सारे आलूओं को मैं सुखा लूँगी। अच्छी तरह से सुखा लेना है, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। मैंने एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारे आलू मैंने सुखा लिए हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल देंगे, मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून जो कॉर्नफ्लावर लिया था मैंने वो डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कॉर्नफ्लावर और नमक मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें फ्राइज डालूँगी। सिंगल सिंगल डालना है, एक साथ में नहीं डालेंगे हम। एक साथ में डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। मैंने फ्राइज डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राइज फ्राई हो गए हैं, मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक फॉइल कंटेनर लेंगे, इसमें डालेंगे फ्राइज। फिर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। डालकर इसे चारों तरफ हम फैला देंगे। अब डालेंगे शिमला मिर्च, आपको जितनी पसंद हो आप डाल सकते हैं। टमाटर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे, प्याज डालेंगे। अब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ आपको जितनी पसंद हो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर से फिर से हम डालेंगे फ्राइज।
पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। चिली फ्लेक्स, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे और फिर से हम चीज़ डाल देंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे। अब हम इन्हें चूल्हे पर बेक करेंगे। अब कोई भी एक बर्तन आप ले लेंगे, आप कोई भी पतीला, कोई भी पैन ले सकते हैं। मैंने ये ऐसा पैन लिया है, इसे मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसमें रखेंगे स्टैंड और इस पे हम पिज़्ज़ा फ्राइज का ये कंटेनर रखेंगे और इसे बंद कर देंगे। पिज़्ज़ा फ्राइज रेडी हैं, अब हम इन्हें खोल कर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो गई है, मैं इन्हें अब प्लेट में निकालती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं मायो फ्राइज। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। मायो फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू के फ्राइज़ बना लिए हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज़ में मैं फ्राइज़ बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है, क्वार्टर टी स्पून पिसी लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून कुटी लाल मिर्च और क्वार्टर टी स्पून चाट मसाला, मेयोनीज़ और केचप लेना है। अब हम फ्राइज़ में सारे मसाले डाल देंगे, इन्हें मिक्स करेंगे। फ्राइज को कंटेनर में डालेंगे। इसमें डालूंगी मेयोनीज, मेयोनीज आपको अच्छा ढेर सारा डालना है क्योंकि ये मायो फ्राइज है। अब डालेंगे केचप, फिर से फ्राइज डालेंगे। फिर से मायोनीज डालेंगे। केचप डालेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। आपकी मायो फ्राइज तैयार है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को खिलाइए, इन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।